अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज का आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 7। लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 की स्टोरी टेलिंग की थी, अब हम इनकी रीडिंग करते हैं। पीपल लिव इन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम्स अराउंड द वर्ल्ड, ईच विद देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या वर्ड है ये आपके पास? कैरेक्टरिस्टिक्स। People often make homes to suit where they live. दुनिया में लोग मुख्तलिफ किस्म के बने हुए घरों में रहते हैं और वो उसी तरह के घर बनाते हैं जो उन्हें सूट करता है। इस तरह ये फर्स्ट वन है, होम्स अराउंड द वर्ल्ड। दिस पिक्चर शोज होम डैट आर ऑन स्टिल्ट्स। क्या वर्ड है बेटा ये? स्टिल्ट्स। These people live over the water. In some countries, whole villages are built on stilts. People use boats to get back to the land. आप देख रहे हैं ये stilt है, ये चीज़, ये poles होते हैं जिनके ऊपर घर बने हुए होते हैं। In some countries, some people choose to live in tents. They are often nomads, moving their homes to find water and food at different times of the year. जी, ये टेंट से बने हुए घर हैं जहाँ पे जो लोग रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? नोमेड्स कहलाते हैं, ठीक है। और जब साल में कभी भी इनको ज़रूरत पड़े एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो वो बड़े आराम से अपने टेंट यहाँ से उखेड़ते हैं और उन्हें दूसरी जगह ले जाते हैं। In a number of hot countries, some people live in huts made of mud. The mud dries in the hot sun to make a hard layer to make walls. Sometimes large leaves are tied on the top of the roof. आप देख रहे हैं कि ये जो घर हैं ये मिट्टी के बने हुए हैं और इनकी जो टॉप लेयर है वो बड़े बड़े पत्तों से बनाई गई है। और ऐसे घर ज़्यादातर कहाँ होते हैं? Hot countries में। Some people live in caves, कुछ लोग गारों में रहते हैं। They can be found in many countries across the world, और ये मुल्क के बहुत से हिस्सों में ऐसे घर पाए जाते हैं। From a long journey, Sijal climbed out of the car and looked at the house that was to be her new home. It was very different from the house where she had lived in India. That house had been long and low with thick white walls and a big porch which shaded the house from the hot sun. Sijal India से आई है और इसने अपना नया घर देखा है, लेकिन उसको देखते हुए ही अपना पुराना घर याद आता है कि उसका पुराना घर इस तरह का नहीं था, बल्कि उसमें एक बड़ा सा पोर्च भी था। उसकी दीवारें जो थी वो वाइट थी और मोटी भी थी। दिस हाउस वॉज मेड ऑफ रेड ब्रिक्स, लेकिन ये जो उसका नया घर था वो सुर्ख रंग की ईंटों से बना हुआ था। इट वॉज वेरी टॉल एंड नैरो विद अ चिमनी पोर्ट एट वन एंड ऑफ द रूफ, और ये बहुत ऊंचा भी था और इसके छत के कोने पर चिमनी पोर्ट लगी हुई थी। द डोर वॉज पेंटेड ब्राइट रेड एंड हैड अ बिग ब्रास नोकर। इसका जो डोर था वो रेड कलर में था और इसके ऊपर एक बड़ा सा ब्रास नोकर लगा हुआ था। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इसका डोर रेड कलर का है और ये इसका ब्रास नोकर है, ठीक है, डोर को नॉक करने के लिए। नो बॉडी हैड लिव्ड इन द हाउस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे अरसे से या बहुत वक्तों से यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। एंड इट हैड सेट लुक अबाउट इट, और ये इतना अच्छा भी दिखाई नहीं देता था। सिजाल वॉज नॉट श्योर इफ शी वॉज गोइंग टू लाइक लिविंग हेयर। अब सिजाल जो थी वो भी सोच रही थी कि वो यहाँ रहे या ना रहे, ठीक है। ये रीडिंग आपने करनी है, इनके जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको बार बार आपने पढ़ना है। इसी तरह आपका आज का भी लेक्चर ख़त्म हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।